मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई पाथरकांडी वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, माताएं भी दोनों हाथ उठाएं, उठाओ सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से नेंदु हमारे जिला अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य जी, कृष्णदास जी, संजीव देवनाथ जी, ऋषिकेश नंदी जी, शशि बाबू सिन्हा जी, सुश्री रीता सिन्हा जी, सुश्री बिमला धोबी जी, लीना हलम जी, शांतिलाल सिन्हा जी, सुहाली डे, श्री जयशंकर चक्रवर्ती, श्री प्रथमेश डे, श्री नीलबत बनिक, श्री दिलीप दास जी, और आज इस महान भूमि पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं सुबह पूछ रहा था कि भाई पाथरकांडी में कितनी संख्या होगी। मुझे आंकड़ा बताया कि 40-50 हजार लोग आएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा जितने लोग मैदान में हैं, उससे ज्यादा लोग रोड पर खड़े रहकर इस सभा को देख रहे। आप लोग मोदी जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, हमारे कृष्णेंदु के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले होली है, ढोल जात्रा है कल परसों, और बंगालियों का नया साल भी 14 अप्रैल को आ रहा है। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हृदय से देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि नेताजी सुभाष बाबू का जन्मदिन हमेशा के लिए पराक्रम दिन के रूप में मनाया जाएगा और सुभाष बाबू को भारत 100 साल तक याद करे ऐसी व्यवस्था करेंगे। ये पाथरकांडी का अर्थ है, पाथर का मतलब है धान के खेत और कंडी का मतलब है नदी का किनारा। लुंगाई नदी के किनारे एक क्षेत्र धान के किसानों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है और धान के किसान को समृद्ध बनाने के लिए ढेर सारी योजना लाए हैं। विविध संस्कृति और समुदायों से भरा हुआ यह प्रदेश, यहाँ पर मणिपुर से भी भाई आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, कुछ ट्राइब्स भी रहती है, असम के लोग भी रहते हैं, ढेर सारी संस्कृतियों का ये मिलन और ये पाथरकांडी ये पूरी भारत की सभ्यता का प्रतीक बना हुआ है, भारत की सभ्यता का प्रतीक। और यही भारत की ताकत है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा लक्षण है जो हमें मजबूत बनाता है। मगर कांग्रेस पार्टी के दो नेता, ये भाई बहन आसाम में पर्यटन पर आते हैं, टूरिस्ट ट्रेन आते हैं, देखा है ना राहुल बाबा को अभी अभी, देखा है या नहीं देखा है?
चाय बागान में पत्ती नहीं बैठी है अभी, और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही है। पत्ती बैठना तो अभी शुरू होगा, चुनने का मौसम भी नहीं आया, मगर फोटो खींचा चलो, बाद में चाय बागान वालों का जो होना है वो हो। इन्होंने बंगाली और आसामियों को, इन्होंने अपर आसाम लोअर आसाम को, उनका काम भागला करो, डिवीजन करो और राज करो है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, सबका साथ सबका विश्वास विकास और सबका विश्वास, सबकी उन्नति होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, और सबका विकास होगा तो आसाम का विकास होगा, और सब राज्यों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और आत्मनिर्भर भारत नया भारत बनाने का लक्ष्य मोदी जी ने यही मंत्र के आधार पर। मित्रों, 5 साल पहले भी मैं इस क्षेत्र के अंदर आया था, मैंने कहा था मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने कहा था कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, हम आसाम को आंदोलन मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। तब एक कांग्रेस पार्टी तरुण गोगाई जी हमारा मजाक उड़ाते, कैसे होगा, जादू की छड़ी है क्या? आज तो तरुण गोगाई साहब नहीं रहे, मैं उनके पीछे कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर मैं राहुल बाबा को जरूर कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा हमने आसाम को आंदोलन मुक्त बना दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5 साल के अंदर आसाम के अंदर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है क्या? बताइए, हुआ है क्या? सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं ना, आतंकवाद समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है बताइए, हुआ है या नहीं हुआ है? 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने शस्त्र डालकर मुख्य धारा में आना पसंद किया है, 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने, गोली चलना बंद हो गई है, रोड बनना शुरू हुआ है, इरिगेशन होना शुरू हुआ है, और विकास के रास्ते पर आसाम आगे बढ़ चुका है। मित्रों, 5 साल के अंदर हमने परिवर्तन लाया है, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने 5 साल जो सरकार चलाई है, वो सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, हमने पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है। मित्रों, प्रामाणिक सरकार चलाने का काम। मित्रों, आसाम के अंदर अभी अभी ये राहुल बाबा प्रचार करने आए, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, सबने आना चाहिए, मगर चुनाव के बाद भी आना चाहिए, बाद में नहीं दिखाई पड़ते, इटली चले जाते, विदेश चले जाते छुट्टी मनाने, और आकर क्या बोले, आसाम का प्रतीक, आसाम का प्रतीक बद्रुद्दीन अजमल है। मुझे बताओ, बद्रुद्दीन अजमल आसाम का प्रतीक हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? मित्रों, बद्रुद्दीन अजमल और कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से एक बार घुसपैठ शुरू कर देंगे और आसाम के युवाओं का रोजगार छीन कर ले जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी साफ नीयत वाली पार्टी नहीं, आसाम के अंदर जाती है तो यहाँ गमछे पर सीए पर क्रॉस लगा कर जाती है, सीए नहीं चाहिए, यहाँ आते हैं तो कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं सीए के लिए, बोलते हैं क्या? देश भर में एक कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध कर रही है। मित्रों, सीए का विरोध कर रही है, और मैं आपको कहता हूं,
कांग्रेस पार्टी को वोट का मतलब है बदरुद्दीन अजमल को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर देना, साफ कर देना। क्या आप चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? सुनाई नहीं पड़ता, माताएं बोले। आप चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? जोर से बोलो, आप क्या चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? मित्रों, भाजपा के अलावे सबका साथ सबका विश्वास सूत्र पर कोई और काम नहीं कर सकता। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।